हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होगे। मैं रविंदर आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरसी व्लॉग्स पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग रहने वाला है काफी इन्फॉर्मेटिव सा रहने वाला है। वो क्यों? क्योंकि जो अपनी हुंडई की कार्स हैं या i20 जैसी कार्स हैं या मोस्टली किया वगैरह की कार्स में भी जो सनरूफ का जो फीचर आता है ना, वो वन टच वाला आता है। तो मेरे को कुछ दिन से क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि जो हमारा ये वन टच बटन है ना, ये वाला, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो क्यों काम नहीं कर रहा। जितना मेरे को पता लगा कि कई की बार जब हम बैटरी का जो टर्मिनल है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना, तो कई की बार उसमें एरर आ जाता है, रीसेट हो जाता है। तो मैंने अपने ग्रुप, जो हमारा एनलाइन इंडिया का ग्रुप है एंड रिपब्लिक ऑफ एनलाइन ग्रुप है हमारा एनलाइन का स्पेशली, वहां पे मैंने अपना प्रॉब्लम बताई अपने ग्रुप मेंबर्स को। तो वहां से एक हर्ष भाई है हमारे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके रीसेट होता है। आपको भी मैं प्रोसेस बताता हूँ, बाई चांस आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको एजेंसी जाने की या शोरूम सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे उस चीज को ठीक कर सकते हो। तो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम आई क्या है। तो हाँ जी गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमें जो प्रॉब्लम आई है वो आई है सनरूफ से रिलेटेड। अब क्या है कि जो मोस्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि वन टच फीचर होता ही है। अब जैसे मैं आपको वन ये करके दिखाऊंगा, ये देखो, ये वन टच में हो नहीं रहा है। मेरे को लगातार प्रेस करके रखना पड़ा है और क्लोजिंग के लिए भी मेरे को ऐसे करना ही पड़ रहा है। इसमें क्या है ना कि सबसे बड़ी बात है कि आपका जो ये बटन है, अगर आपकी प्रॉब्लम आई है ना, तो बाइक कई बार बटन खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। बट आपको क्या ध्यान में रखना कि आपका ये जो जैसे बटन है ना, वर्किंग है, लाइक सनरूफ ओपन हो रही है ऐसी या नहीं हो रही, तो तभी वो अपना जो रीसेट वाला प्रोसेस है तभी काम करेगा, नहीं तो फिर आपको ये शोरूम सर्विस सेंटर वगैरह जाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको रीसेट करना कैसे है। हाँ जी गाइस, तो जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था कि हमारे सनरूफ में प्रॉब्लम आई है कि उसका वन टच फीचर काम नहीं कर रहा है, तो उसका प्रोसेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसका प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है कि अगर आपके पास मैनुअल की है या फिर स्मार्ट की है हमारे गाड़ी की, तो आपको सिर्फ पहले इग्निशन ऑन करना है, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है, ऐसे करके इग्निशन ऑन करना है। और इग्निशन ऑन करने के बाद आपको जो ये सनरूफ वाला बटन है, इसको ओपन वाली पोजिशन में नहीं, इसको क्लोज पोजीशन में ऐसे 10 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जैसे ही आप 10 सेकंड के लिए प्रेस हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, तो आपकी जो ये सनरूफ है ना, यहाँ से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे कि प्रेस हुई, इसको एक थोड़ा छोड़ के 5 सेकंड के लिए फिर से करना है, बीच में छोड़ना नहीं है गाइस। जैसे ही ऑटोमेटिक ओपन होगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्लोज पोजिशन में है बट फिर भी सनरूफ जो है हमारी ओपन हो रही है और दोबारा ये क्लोज होगी, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है। ये प्रोसेस पूरा हो गया और अब हम दोबारा से इसको ओपन करके देखते हैं कि ये हमारा वन टच फीचर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, अब हमारा जो वन टच फीचर है वो फुली वर्क कर रहा है। अब इसको क्लोज भी करके देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, क्लोज भी हो गया, ओपन भी हो गया। अब चलो दोबारा कर लेते हैं एक बार फिर भी। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई है। तो हां जी गाइस, जैसा कि आपने देखा, जो हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई है एंड थैंक्स टू माय ऑनलाइन फ्रेंड, आई थिंक उनका नाम जो है हर्ष सोलंकी करके है उनका नाम। तो थैंक्स टू हिम, जिन्होंने मेरे को ये रीसेट करने का तरीका बताया एंड कुछ वगैरह यूट्यूब वगैरह पे भी देखा मैंने। एंड अगर भी आपको ये हमारी जो हुंडई की कार्स हैं या किया की कार्स हैं या फिर मतलब जो सनरूफ वाली जिसमें वन टच फीचर आता है, नॉट सारी गाड़ियों में आता या नहीं आता, मतलब जिसमें ये वन टच फीचर आता है उसमें ये जो रीसेट का प्रोसेस है वो मतलब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। बट बाय चांस किसी वजह से ये मतलब ये रीसेट नहीं हो पाता है, लाइक अगर आपका सनरूफ का बटन काम नहीं कर रहा है या बाय चांस उसको करने के बाद भी अगर आपकी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप अपने नियर बाय सर्विस सेंटर में दिखा सकते हैं जाके। तो गाइस, कैसी लगी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपने भाई को, प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपके सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है आपके भाई को। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, सत श्री अकाल।